बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर सलमा वकास और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कोलेस्ट्रॉल के बारे में, और हम डिस्कस करेंगे 5 स्टेप्स जिनसे आप अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अक्सर कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने के बारे में सुनते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन पे है या कोलेस्ट्रॉल हाई है। इसका मतलब क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक टाइप ऑफ फैट है, हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा फैट है जिसे हमारी बॉडी खुद बनाती है और वो फिर सर्कुलेट करता है हमारे ब्लड के अंदर। कोलेस्ट्रॉल कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे हार्मोन्स को बनाता है। स्टीरॉयड हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि ये बनाता है बाइल, लिवर की हेल्प करता है बाइल बनाने, और बाइल डाइजेस्ट करता है फैट्स को। अगर कोलेस्ट्रॉल ना हो तो बाइल ना बने, हमारे बॉडी के अंदर फैट की डाइजेशन नहीं होगी और एट द एंड ब्लॉकेज होगी आर्टरीज की, हार्ट अटैक और हार्ट डिजीजेज होंगी। कोलेस्ट्रॉल एक बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारे सेल के कंपोनेंट्स में प्रेजेंट है, विटामिन डी की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। हमारी बॉडी के अंदर हमारा लिवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। मेन 2 टाइप्स होती हैं कोलेस्ट्रॉल की, HDL जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, और LDL जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहा जाता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को सेल से, ब्लड से लिवर के अंदर, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है, रिमूव करता है जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, उसको रिमूव करता है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ के चांसेस, हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा है बैड कोलेस्ट्रॉल LDL, यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ये वो कोलेस्ट्रॉल की टाइप है जो कोलेस्ट्रॉल को लिवर से ट्रांसपोर्ट करता है हमारे सेल के अंदर, ब्लड के अंदर, और LDL की वजह से हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज कर जाता है। लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल यूज़ होता है हार्मोन्स को बनाने में, या हमारी ब्लड वेसल्स में कहीं कोई डैमेज हो जाए, कोई ज़ख़म हो जाए, तो उसको हील करने में ये एज अ हीलिंग एजेंट एक्ट करता है। कोलेस्ट्रॉल की दोनों टाइप्स के अपने अपने फंक्शंस हैं। कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लमेटिक तब होता है जब या तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल लेवल से एक्सीड कर जाए, या फिर गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल के दरमियान रेशो सही ना हो, LDL ज़्यादा हो जाए और HDL कम हो जाए, यानी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हमारी लिवर से सेल्स में और टिश्यूज़ में जा रहा है लेकिन वापस कम आ रहा है लिवर में। इसकी वजह हमारा लाइफस्टाइल हो सकता है, हमारी डाइट हो सकती है, हो सकता है कि आप ऐसा फूड खा रहे हैं जो इंक्रीज़ कर रहा है बैड कोलेस्ट्रॉल को, या ऐसा फूड जो जिस्म के अंदर सोजिश करता है, यानी इन्फ्लेमेशन करता है। इन्फ्लेमेशन अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जाएगा ब्लड के अंदर, सेल्स के अंदर, उस इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए, और वो डिपॉजिट हो जाएगा हमारी ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स को नैरो कर देगा, और वो वजह बनता है हार्ट डिजीज़ की। हम जो मेडिसिन यूज़ करते हैं LDL को कम करने के लिए, वो मेनली स्टैटिन्स होती हैं, स्टैटिन्स फैमिली की होती हैं, जैसे एटोरवास्टैटिन, फ्लूवास्टैटिन या लोवास्टैटिन वगैरह। ये करती क्या हैं? ये रिड्यूस करती हैं ब्लड के अंदर मौजूद कोलेस्ट्रॉल को, डिक्रीज करती हैं लिवर प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, उस एंजाइम को ब्लॉक करती हैं जो लिवर यूज़ करता है कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए। आज हम ऐसे 5 स्टेप्स डिस्कस करेंगे जिनको फॉलो करके हम अपने बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं। इनमें सबसे पहले है फूड। आप अपने फूड को चेंज करके अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सैचुरेटेड फैट, घी, रेड मीट का इस्तेमाल ना करें, लो फैट डेरी यूज़ करें। अगर आप मिल्क यूज़ करते हैं तो उसकी बालाई यानी मिल्क क्रीम ऊपर से उतार के यूज़ करें, लो फैट डेरी को प्रेफर करें। ये इंक्रीज़ करता है LDL को। जितना आप ये चीज़ें खाएंगे उतना LDL बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करें। कोशिश करें कि ज़ीरो ऑयल रेसिपीज़ को ट्राई करें। ऑयल का मतलब हरगिज़ टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ हमारा माइंडसेट है कि जितना ऑयली खाना होगा उतना ज़्यादा टेस्टी होगा।
अगर फिर भी आप ऑयल डालना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करें या कैनोला ऑयल को यूज़ करें। ऐसा फूड खाएं जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा से ज़्यादा हो। वो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल पे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। तो उसके लिए आप अखरोट खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, अलसी के बीज खा सकते हैं और सालमन फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांसफैट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा और गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। जैसे कि फ्राइड फूड, कमर्शियल प्रोडक्ट्स जैसे कुकीज़, स्नैक्स, केक्स वगैरह, जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उनको टोटली अवॉइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्युबल फाइबर खाएं, ये डिक्रीज करेगा बैड कोलेस्ट्रॉल को। ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फल ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, दालों का इस्तेमाल करें और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फूड के बाद जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी फिज़िकल एक्टिविटी। वॉक, रनिंग, एक्सरसाइज मोस्ट डेज ऑफ द वीक में आप करें। वॉक ऐसी करें जिसे कि ब्रिस्क वॉक कहा जाता है, कि आपको स्वेटिंग हो। अगर आप चहलकदमी करेंगे उससे आपका HDL इंक्रीज नहीं होगा। आप ऐसी वॉक करें, ऐसी रनिंग एक्सरसाइज जिससे आपकी स्वेटिंग हो, आपके बॉडी के अंदर फैट बर्निंग हो, तब आपकी बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। थर्ड स्टेप है कि आप स्मोकिंग को छोड़ने हैं। जैसे ही आप स्मोकिंग छोड़ेंगे तो भी आपकी बॉडी के अंदर HDL के लेवल इंक्रीज करेंगे। फोर्थ स्टेप ये है कि अगर आपका थोड़ा सा भी वज़न ज़्यादा है तो अपने वेट पे कंसंट्रेट करें, अपना वज़न कम करें, क्योंकि 5-10% जब आप अपना वेट लॉस करेंगे तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी के अंदर अच्छा हो जाएगा। फिफ्थ स्टेप ये है कि ग्रीन टी के 3-5 कप रोज़ाना पिएं, क्योंकि ग्रीन टी के अंदर कैटेकिन्स प्रेजेंट हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये डिक्रीज करते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल को। अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं या आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो अपने लाइफस्टाइल में चेंज करें, अपनी डाइट को चेंज करें और अपनी फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।